बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। और आज का ये जो हमारा ट्यूटोरियल है, इसका मकसद हमारा फ्यूचर प्लान पे डिस्कशन करना है कि हमने जो तैयारी करनी है, एक तो लेक्चरर कॉमर्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं, इसके अलावा जो म्यूनसिपल ऑफ़िसर हैं, इसके अलावा एडमिन ऑफ़िसर उनमें हैं, या सीईओ के नाम से जो पीपीएससी की पोस्ट आई हैं, या इसके अलावा कोई भी एस्पिरेंट जो नॉर्मली जिसका एरिया होगा टेस्ट के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो ये उनके लिए है कि हम अपनी तैयारी में कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करने जा रहे हैं, ताकि हम एक तो थारोली भी हमारी तैयारी हो, दूसरे नंबर पे हमारा कोई एरिया रह ना जाए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी था आपसे। जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट एंड दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा है मार्केटिंग, जिनको अभी हमने स्टार्ट कर दिया था। तो अगर हम उनको स्टार्ट करें तो एक तरतीब से हम चल सकते हैं, हम जंप नहीं कर सकते कि मतलब हम पहले कौन सा कंसेप्ट करें, दूसरा कौन सा करें, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं, उसकी एक तरतीब होती है जो सब्जेक्ट को कवर करने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि जब हम एक सब्जेक्ट को थारोली डेली बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं तो एक फीलिंग आती है कि मेरा, लेट्स सपोज तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं टैक्सेशन, क्योंकि मेरा टैक्सेशन का सब्जेक्ट पीछे रह रहा है, मैंने उसका कुछ भी कवर नहीं किया। चौथे नंबर पर बात आती है कि मैंने इकोनॉमिक्स को हाथ भी नहीं लगाया, उसके बहुत सारे एरियाज़ मेरे रह रहे हैं। इसके लिए अब हम ये भी सोच सकते हैं कि जो हमारी बेसिक या बिज़नेस मैथमेटिक्स है, या जो स्टैटिस्टिक्स है, ये हमारी लैग कर रही है, तो उसका हमारा क्या बनेगा। तो उसको भी हम जो है ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। उसका क्या होगा कि हम सब्जेक्ट वाइज जो है उनके लेक्चर्स भी लेके चलेंगे, मेन के सबसे पहले जो हमारा तरीकाकार होगा वो सब्जेक्ट वाइज भी हम लेक्चर्स को जो इम्पॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर वाइज हम उनको लेके आगे चलेंगे। इसके अलावा मैंने जो प्लान किया है सेकंड नंबर पे, ये तो सारे सब्जेक्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हमारे होंगे ज़रूरी उनको हम टाइम देंगे। दूसरे नंबर पे मैंने जो प्लान किया है और आज से इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी, और आप मेंटली रेडी रहिएगा, आज और कल के दो दिनों में हम काफ़ी सारे लेक्चर्स इस पे लेके आएंगे। ये टॉपिक हमारा किस नाम से हो गया, कंसेप्टिव या कंसेप्चुअल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट के नाम से प्रिपरेशन। तो इस तरीके से जो कंसेप्चुअल पार्ट हम कहेंगे, इसका तरतीब क्या होगी, इसका ये होगा कि इसमें हम किसी एरिया को छोड़ेंगे नहीं। मतलब कोई भी हमारे माइंड में आता है कि ये जी टॉपिक हमारा ज़रूरी है तो हम उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। और एक इसमें भी एक तरतीब रखेंगे कि लेट्स सपोज अगर किसी के वीक एरियाज़ हैं जो ड्यूरिंग उसकी एकेडमिक स्टडी के दौरान उसने कंसेप्ट सही तरीके से बिल्ड नहीं किए, तो उसको कंसेप्ट बिल्ड करने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बड़ी हेल्प रहेगी। ठीक है जी, कंसेप्ट बिल्डिंग में उसको हेल्प होगी। और दूसरे नंबर पे फिर क्या होगा कि जब ये हमारे इम्पॉर्टेंट एरियाज तकरीबन कवर होने वाले होंगे,
अभी तो मैं अपने हिसाब से, मैं अपनी तरतीब से जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता होगा वो हम लेके चलेंगे, लेकिन जैसे ही आप लोगों की डेट शीट आएगी, जो ही आप लोगों की डेट शीट अनाउंस होती है, ये अभी वंस है इंशाल्लाह, इसमें जो हमारा एक कोर्स कंप्लीट होता जाएगा तो आपका हम जो है मेन जो हमारे एरियाज़ हैं वो कवर होते जाएंगे, जो कि मैं खुद ही लेके चलूँगा अभी। लेकिन जो ही डेट शीट आएगी तो आपने क्या करना है, जो हमारे एरियाज़ मिसिंग हैं, मतलब हमारा कोई भी एरिया इम्पॉर्टेंट है वो मिस हो रहा है, लेकिन आपने कहाँ से क्या करना है मिस, आप कैसे फील करेंगे कि ये हमारा एरिया मिस हो रहा है, आपने ये देखना है कि जो पास्ट पेपर हैं उनमें अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन हमने उस पर डिस्कशन नहीं की, डिस्कशन टोटली हमने उस पर नहीं की, तो आपने क्या करना है उसको हाईलाइट कर लेना है, उस एरिया को अपने पास भले आप पहले लिख भी सकते हैं। इसके अलावा आपने ये मुझे कम्युनिकेट करना है, हाईलाइट अपने पास नोट करें, नोट भी रख सकते हैं अपने पास साथ साथ में। इसके अलावा आपने मुझे क्या करना है, कम्युनिकेट करना है वही टॉपिक या एरिया जो आपको मुश्किल लगता है और हमने कवर नहीं किया, या फिर आपको मुश्किल नहीं भी लगता तो हमने ओवरऑल कवर नहीं किया, आप ये चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो जाए, तो मैं उस पर फिर आपके फर्ज के एक इंडिविजुअल के 5 क्वेश्चन मेरी तरफ से आते हैं, अपनी तरफ से आते हैं, तो मैं उसका एक लेक्चर बना के उसमें डाल दूँगा आपके कोर्स में। तो ये हमारा एक जो है टोटली एक मिक्स कोर्स होगा, लेकिन टोटली इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे होगा, जो कि अक्सर जो पेपर्स होते हैं उनमें वो क्वेश्चन जिन पार्ट से आ रहा होता है हम उन हिस्सों में वही जो है एरियाज़ को कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सिलेबस डिज़ाइन होगा। तो आज से जो लेक्चर कॉमर्स और ये जो पीपीएससी की अभी पोस्ट आई हैं, या जो फ्यूचर में भी अगर कोई ये मेरा ट्यूटोरियल देखता है, तो हम ये जो कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं इसमें मेन कंसेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो हमारा एरिया है हमारे कंसेप्ट को, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता जाए। लेट्स सपोज हम जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, तो उनके किसी के लेक्चर ज़्यादा हैं या कम हैं, तो हम जो पहले 10-15 लेक्चर्स होंगे हर टॉपिक में उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर कर चुके होंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हर टॉपिक वाइज, मेन सब्जेक्ट वाइज, जो सब्जेक्ट उसका होगा उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स, तो हम उस सब्जेक्ट के अंदर रहते हुए वो एरिया कवर कर लेंगे। लेकिन कुछ रैंडम सब्जेक्ट्स होंगे, रैंडम टॉपिक्स होंगे जिनको हम अगर फर्ज किया उधर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के अंदर नहीं भी कवर कर पा रहे, तो हम इस एरिया को यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके अंदर जो है ये फीलिंग रहेगी कि हमने जो है पास्ट पेपर को भी कंसंट्रेट किया है, और इसके अलावा आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी बिल्ड होते जा रहे हैं, और जितने आपके कंसेप्चुअल वर्किंग होगी उतनी ही आपके लिए बेहतर है। तो मैं ये चाहता था कि हम फर्ज किया मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग के जो हमारे टोटल टॉपिक्स हैं वो फर्ज किया बहुत ज़्यादा हैं, तो हम 10-15 अभी कवर किए हैं, तो दरमियान में जो बाकी रहते हैं उनमें से 2-4 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम पूरा सिलेबस अभी तक कवर नहीं भी कर पाते, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस एरिया में कवर कर लें, ताकि हमारा हर टॉपिक हर सब्जेक्ट अनटच ना रहे और हमारा कोई भी एरिया वीक ना रहे। तो ज़्यादातर जो मिक्स और जो शॉर्ट कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जिनको बिल्कुल आपने मिस करना ही नहीं है, उनको हम इस कोर्स में कवर करेंगे। तो जो आपका कोर्स चल रहा है, जो दोनों मैंने पहले नाम लिए, या जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज के नाम से कोई भी टेस्ट आप देने जाते हैं, तो उसमें ये पार्ट होगा, तो ये एरिया आपके लिए की रोल अदा करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा, क्योंकि हम इन एरियाज में जो है इस कोर्स में पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। तो यही मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा था, यही आपसे बात करना चाह रहा था। तो आज भी इंशाल्लाह इस पे काफ़ी सारे लेक्चर आएंगे, कल भी आएंगे, 2 दिन की ये जो मेरी वर्किंग होगी इसी कोर्स पे होगी ज़्यादातर। तो आपको एडवाइस है कि आप साथ साथ चलते रहिए, और जो चीज़ें हैं उनको थारोली साथ पिक करें। मैं जैसा कि आपको पहले भी कहता हूँ कि जो टॉपिक हमारे जो पेपर हमारे MCQs बेस्ड भी होते हैं, लेकिन मैं उनको कंसेप्चुअली लेके चलता हूँ, तो उसमें मैं खुद भी सेटिस्फाई होता हूँ, और स्टूडेंट जो होता है एक दफ़ा नहीं है कि आपने एक दफ़ा तैयारी की और एक टेस्ट दिया और बात ख़त्म होगी, बल्कि ये चीज़ें आपको आगे चल के करियर में भी, इंटरव्यू में भी, हर जगह पर काम आती। तो जब आप बोर ना हुआ करें, स्पेशली जो काबिल लोग होते हैं या तेज़ बच्चे होते हैं, पढ़ाई में बहुत तेज़ होते हैं,
वो अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते होते, वो कहते हैं मुझे पता है, तो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है उनको किल कर देता है। जब वो सही जगह पे बैठे होते हैं तो वो चीज़ें उस तरीके से उन्होंने चूँकि गोथ्रू नहीं की हुई थी, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो चीज़ें मिस कर बैठते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा लीनियट रख के अपने अंदर ऑब्जॉर्प्शन की जो है वो कैपेसिटी बिल्ड करें, जो चीज़ आपको मिले, जो नॉलेज हो। और मैं आपको एक एडवाइस भी करूँगा कि शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट एक दो दफ़ा तो कहीं ना कहीं चल जाता है, लेकिन लाइफ में एक्सेल वही करते हैं जो अपने आप को दूसरों से बेहतर करते हैं। तो दूसरों से बेहतर करने के लिए परफेक्शन होती है, तो परफेक्शन के लिए आपको थारोली हर चीज़ पे वर्किंग करना पड़ती है। वर्किंग करने से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और आप फील सेटिस्फैक्शन भी फील करते हैं। होप दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प यू टू काउंटर विद द अपकमिंग एग्जाम्स। दिस विल एनेबल यू टू लीड बोथ टू पार्टीज़, बोथ ऑफ यू एंड मी, टू अचीव आवर गोल्स। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।